पीस पार्टी द्वारा 2022 चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित अवधेश सिंह जादौन को मिलेगा 97 विधानसभा से टिकट। जनपद फिरोजाबाद विधानसभा 97 से पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने अपनी पार्टी से फिरोजाबाद के अवधेश सिंह जादौन को प्रत्याशी घोषित किया। जिलाध्यक्ष इमरान मंसूरी ने शिवम होटल में पत्रकार वार्ता करके जानकारी दी। 7 पीस पार्टी प्रत्याशी अवधेश सिंह जादौन ने बताया कि हम 2022 में डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। साथ ही कहा, सरकार को मजदूर परिवारों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। जिले से जो लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं उनके लिए बाहर से कंपनियों का इंतजाम करना चाहिए। आज फिरोजाबाद 97 विधानसभा से उम्मीदवार अवधेश सिंह जादौन जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब ने कल प्रेस वार्ता के दौरान फिरोजाबाद से अवधेश सिंह जादौन जी को पीस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं फिरोजाबाद जनपद की सभी सम्मानित जनता से ये कहना चाहता हूँ, सभी पार्टियों ने भेदभाव से काम किया है, लेकिन पीस पार्टी सर्व समाज को लेकर काम कर रही है और पीस पार्टी ने अवधेश सिंह जादौन जी को फिरोजाबाद 97 से विधानसभा बनाया है और सभी लोग अवधेश सिंह का समर्थन करें ताकि इस भारतीय जनता पार्टी दमनकारी नीतियों के खिलाफ अवधेश सिंह यादव जी बड़ी 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 तादाद से सभी लोग सहयोग करें और भारी मतों से विजय प्राप्त हो। 2022 में हम ये चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोहम्मद अयूब खान साहब मुख्यमंत्री बने। फिरोजाबाद में मैं 27 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ। फिरोजाबाद में सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे नव युवा साथियों के सामने वो है बेरोजगारी और वो फिरोजाबाद से बाहर जो पलायन कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनके लिए इस प्रकार की इंडस्ट्री डलवाई जाए सरकार से जिससे कि उनका पलायन रुक सके। दूसरी, फिरोजाबाद में सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा की। उसके लिए हम चाहते हैं कि एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए जिसमें कि गरीब बच्चे, गरीब लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए। और इसके अलावा हम बिजली की समस्या भी यहाँ देख रहे हैं, तो जो भी हमारे सब समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए हम चाहेंगे कि उनको फ्री जो है बिजली प्रदान की जाए और पेयजल वगैरह भी उनको मुहैया कराए।